हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम वाला में। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जिनके कारण कि मैं आपके सामने ऐसे शब्द बोल पा रही हूँ, जिन्होंने मेरे अंदर बचपन से ही ये मोटिवेशन भरा, मुझे संघर्ष करना सिखाया, और वो है मेरी शिक्षिका रेनू मैम। और बहुत हैरानी की बात है कि वो मुझे फेसबुक के माध्यम से मिली हैं। देखा जाए तो शिक्षक वाकई हमारे मार्ग में हमें एक ऐसी दिशा देते हैं जो आगे जाकर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर शिक्षक हमारे जीवन में ना हो तो ना ही हमें कोई दिशा मिल सकती है और ना ही हम किसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब मुझे अपनी मैम से मिलने का, हम लोग फेसबुक से मिल चुके थे, फोन पर जिसे मेरी मैम से बात हुई और मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था और ऐसे लगता था जो 25 वर्षों का अंतराल है वो घटकर फिर से उसी सीमा में आ गया, उसी समय सीमा में आ गया है जबकि मैं 7th-8th में पढ़ती थी और मैम मेरे टीचर हुआ करते थे। और मैम मुझे समझाया करते थे कि कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कैसे लिखा जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, वो मैम का ही ये चमत्कार है कि आज मेरी 25 पुस्तकें आ चुकी हैं। मैम का ऋण कभी नहीं उतार सकती। मैम आपको आज कैसा लग रहा है? मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। इससे बड़ा एक टीचर के लिए कोई दिन नहीं हो सकता कि उनकी उनका बच्चा, उनकी शिष्या आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंची हुई है। तो शिक्षक का एक सबसे बड़ा बड़ी सफलता, एक माता पिता और गुरु यही चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे बहुत आगे निकले। तो जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना फेसबुक के माध्यम से, मैं तुमसे मिली और मैंने जब देखा कि आज तुम्हारी इतनी उपलब्धियां हैं, मेरी खुशी का इतना ठिकाना नहीं रहा और मुझे लगा कि मेरा भी जीवन सार्थक हो गया। और तुम्हारे अंदर तो बचपन से ही वो प्रतिभाएं थी जिनको कि बढ़ना ही था आगे, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इसका तुम वो मानती हो। और मैं, मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि तुम इसी तरह अपने जीवन में और आगे बढ़ो और संसार को दिशाएं दो अपनी योग्यता से, अपनी अपने आत्मविश्वास से, अपने ज्ञान से समाज को सींचो जिसको आज जरूरत है तुम्हारी। फ्रेंड्स आपने देखा कि पेरेंट्स, माता पिता और शिक्षक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे की छोटी सी उपलब्धियों का वर्णन करने में अतिशयोक्ति अलंकार लगा देते हैं। मैम ने इस समय वही किया, अतिशयोक्ति अलंकार लगाया है। मंजिलें अभी बाकी हैं, आसमान छूना अभी बाकी है। और इसके साथ ही मुझे बहुत इस बात की भी बेहद खुशी हुई कि मैम के साथ साथ मैं माननीय राज्यसभा सांसद श्री प्रदीप टमटा जैसे भी मिल पाई हूँ। यह बड़ी खुशी की बात है कि मैं मैम के साथ ही सर से भी मिल पाई हूँ। सर भी बहुत प्रेरणादायी रहे। देखिए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मैं रेणु जी की ओर से इस प्रतिभा रेणु सैनी के बारे में इतना मैंने सुना, कभी कभी तो लगता था कि ये शिक्षिका है या ये रेनो इनकी टीचर रही। और बहुत मेलन से हमको भी इतने बार बताती थी, खुशी है कि आज दोनों मिले हैं। और रेनो का जीवन भी बहुत संघर्ष का जीवन है। ये जीवन ऐसा संघर्ष है जो हर भारतीय महिला का एक संघर्ष है कि उसको अपने मनुष्य होने की लड़ाई खुद ब खुद लड़नी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि उसने इस लड़ाई को लड़ा है और इस लड़ाई की को आगे भी वो जारी रखेंगी। और गणतंत्र दिवस की कमेंट्री करना, वो आवाज़ भी मैंने, मधुर आवाज मैंने खुद सुनी है। लेकिन बहुत सी किताबें भी लिखी, लेकिन जो प्रेरणा है जो अपने संघर्ष की कि क्यों नहीं मैं एक संपूर्ण मनुष्य का जीवन जी सकती हूँ। मैं रेनु शिक्षिका को, जो मेरी जीवन संगनी है, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक अपनी जीवन यात्रा को मैं मुकाम तक पहुंचा, और उनकी शिष्या रेनू, दोनों का जो मिलन हुआ है वो अभूतपूर्व है। और मैं रेनू को, सैनी को हृदय से फिर और जिंदगी में और नए मुकाम पर पहुंचे। और साथ ही साथ जो भारतीय महिला की जो कहानी है, बहुत पहले से ही सीता जी के जमाने से ही, कि उन्होंने भी पहला आदि विद्रोह किया था जब राम जी ने उनको, उनके व्यक्तित्व को एक तरह से नकार जैसा दिया था। वो संरक्षण जो पति को अपनी पत्नी का करना चाहिए था,
आज भारतीय महिला उसी मुकाम को आगे बढ़ाए, 21वीं सदी में वो आगे बढ़े हैं और इन उन यात्राओं को, दास्तानों को, संघर्ष को कलम कर बत कर नई पीढ़ी को भी उस ओर, उस प्रवाह की ओर जहाँ दोनों मनुष्य का जीवन जी सके, साथ साथ चल सके, उसकी ओर आगे बढ़े, यही मेरी उनको बहुत शुभकामना, यही आशा। तो फ्रेंड्स, आज मुझे मैम से और सर से दोनों से मिलकर ही बहुत अच्छा लगा और मुझे पक्का यकीन आपके शिक्षक के प्रति अपनी धारणाएं ऐसी ही होंगी। शिक्षक हमें सदैव हमारे पथ को प्रशस्त करते रहते हैं और शिक्षकों की उंगली पकड़कर ही हम अपनी मंजिल के पड़ाव तक पहुंचते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको जो मैंने अपनी शिक्षिका से मिलवाया आपको बहुत पसंद आया होगा। 25 सालों के एक लंबे अंतराल के बाद आज मैं उनसे मिली और मुझे लगा मैं फिर से अपनी 7वीं-8वीं कक्षा की उसी क्लास में पहुंच गई हूं। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ।